हाय हेलो नमस्ते, मैं हूँ वैशाली शेट्टी और आज हमारे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस मौजूद है जो बहुत ही सुर्खियों में रहती है अपने बोल्डनेस को लेकर। शी इज़ दी ओनली वन, कंगना शर्मा। हाय कंगना, इन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। या हाय। आपका नया एल्बम रिलीज़ हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, इसको लेकर क्या कहोगी? काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग जा रहा है वो, एंड आई एम जस्ट इन्जॉइंग दिस फेस ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप एक ऑलरेडी जो हिट गाना होता है उसके साथ काम कर रहे हो या कोई भी हिट प्रोजेक्ट होता है तो ऑब्वियसली आपकी खुशी किसी और ही लेवल पे होती है। सो आई एम रियली रियली हैप्पी। बी प्राक के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उनके साथ में नहीं किया, उनका सॉन्ग है, क्योंकि ये एक लड़की की कहानी है जो प्यार में धोखा खाती है और पागल हो जाती है। तो उनके साथ में नहीं था, उनका सिर्फ गाना था और जाने के लिरिक्स थे, तो जो लीड किया है उसको वो मैं हूँ और रोहित खंडेलवाल हैं। आपको ज़्यादातर दर्शक एक बोल्डनेस के लिए इसमें, हॉटनेस के इसमें देखते हैं, लेकिन इस गाने में आपको किस किरदार में दिखेंगे? मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई बोल्डनेस की उसमें दिखता है। ऑफ कोर्स आई हैव यू नो डिफरेंट शेड्स ऑब्वियसली, बिकॉज जब मैं एक्टिंग करती हूँ तो उसमें मैंने कॉमेडी भी की है, मैंने नॉर्मल रोल भी किया है, और अभी जैसे आपने देखा होगा, हैव यू सीन द सॉन्ग? सो डिड यू फील द हॉटनेस इन इट? या सो आई प्ले डिफरेंट शेड्स एंड आई वॉन्ट टू लुक गॉर्जियस ऑलवेज, आई वॉन्ट टू लुक हॉट ऑलवेज, एंड टिल द टाइम आई डोंट डाई, टिल दैट टाइम आई वॉन्ट टू लुक लाइक द सेम आई एम राइट नाउ। सो इफ यू से दिस बोल्डनेस और इफ यू से हॉटनेस, देन ओके आई एक्सेप्ट इट। एल्बम के टाइटल की बात करें तो इस पर लिखा है कि आते रहते हैं ऐसा, तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? नहीं, मैं इंतज़ार नहीं कर रही, अब मैं सामने वाले को बोल रही हूँ कि तुम्हारे जैसे आते रहते हैं। अब मैं इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, मैंने इंतज़ार कर लिया है बट अब नहीं कर रही हूँ। हरियाणा से लेके अभी मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा आपका? हरियाणा से मुंबई तक का ऑफकोर्स बहुत चैलेंजेस आए हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज आई हैं, और जब आप कुछ भी अच्छा काम करने जाते हो, कोई भी चीज़ करने जाते हो, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी चीज़ है, हर चीज़ में एक अपना अपना स्ट्रगल होता है। तो यस, इट हैज़ बीन वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, एंड टू कम हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, ऑफकोर्स आई हैव डन समथिंग लाइक आई कैन से प्राउडली नाउ, सो दैट्स वाई आई एम सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू ऑल। सो या, इट वॉज डिफ़िकल्ट बट आई जस्ट मेड इट इन अ सिंपल वे। सोशल मीडिया पर आपकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो ट्रॉल करते हैं पोस्ट को लेकर, उनको लेकर कैसे फेस करते हो? उनको लेकर यही है कि जिसको जो कहना वो कहते रहे। एक मैंने ऋचा चड्ढा का मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने कहा था कि चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या सोच रहा है, क्या पता वो अपनी जॉब से परेशान है, क्या पता अपनी किस लाइफ से परेशान है, तो वो इसलिए ऐसी बातें लिख रहा है क्योंकि वो बहुत परेशान है। तो उसको और कोई काम नहीं है, सिर्फ यही काम है ट्रॉलिंग का। सो ऑफकोर्स आप किसी को जानते नहीं हो जो ट्रॉलर्स होते हैं, क्योंकि आप अगर उनके प्रोफाइल में जाके देखोगे तो 00 फॉलोअर्स होते हैं और ना ही उनको कोई जानता होता है, अपनी DP तक उन्होंने नहीं लगाई होती है, तो आप फिर क्या बोलोगे उनको? तो ऐसी ट्रोलिंग का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रियल में इमोशनल होना और रील में इमोशनल होना काफ़ी फ़र्क होता है, एल्बम में इमोशनल होना डिफ़िकल्ट था या इजी था? इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर मी बिकॉज आई वॉज गोइंग विद द सेम कंडीशन एंड सिचुएशन, सो इट वॉज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान चाहे कोई भी है, चाहे वो एक्टर है, किसी भी फील्ड का है, वो इमोशनल होता ही होता है अंदर से, तो उसके इमोशंस किसी के तो अपने काम के ज़रिए बाहर आते हैं, एक्टर लोगों के अपने वर्क के ज़रिए ही आते हैं। ऑफकोर्स जो राइटर होता है वो अपनी राइटिंग के थ्रू वो अपने इमोशंस लिखता है, एक्टर होता है वाइल प्लेइंग दे इमोशंस कम्स आउट, यू नो। सो मुझे ऐसा लगता है कि या मेरे लिए थोड़ा सा ईजी तो नहीं बोल सकते, बिकॉज इट वॉज नेचुरल ओनली, आई वॉज क्राइंग नेचुरली। तो या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या कहेंगे? किसको लेकर? अच्छा, प्रोजेक्ट्स को लेकर अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बिकॉज जब चीज़ें होती हैं तो वो अपने आप ही होती हैं, एंड आई ट्रस्ट एंड बिलीव इन गॉड, जैसे जो भी आगे होगा देन अगेन आई विल कम टू यू। प्लीज अपने व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे? या व्यूवर्स को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग इन मी, एंड आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया, ऐसे ही देते रहो। एंड फॉर वुमेन्स आई विल से वन थिंग दैट यू got to be strong, you have to be very 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 particular about what you think. Struggles hote hain aapki life mein aur bahut difficulties bhi hoti hain, lekin aapko sahi time ka aapko patience aapko rakh ke chalna padega, and we women are strong, so this is the only thing that I would love to talk about the girls. I mean yahi message dena chahungi ki you to be very strong and patience. Thank you
कंगना का लेटेस्ट एल्बम रिलीज हुआ है, आपने ये एल्बम देखा या नहीं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ मैं वैशाली शेट्टी, इन 24 न्यूज़, मुंबई।